हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे, काउंटिंग करेंगे स्क्वायर, कोई भी फिगर में कितना स्क्वायर दे देता है वो काउंटिंग करेंगे। तो आप शुरू से लास्ट तक देखे रहें, और मैं कोई भी चीज बताता हूँ तो आप लोगों को पहले कंसेप्ट बताता हूँ और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ, आप इसमें स्क्वायर बताइए कि कितना होता है। सभी जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर जो होता है वर्ग एक होता है, और अगर इसी फिगर में देखा जाए तो एक दो तीन चार और एक, ये बड़े वाले पूरा जो बाहर वाले एक होता है, जो कि जिसपे मैं पेंट कर रहा हूँ, तो एक पांच है। लेकिन अगर ऐसे गिना जाए तो बड़े वाले जैसे इस फिगर में अगर ऐसे गिना जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हूँ। तो देखिए क्या है, जब नंबर ऑफ रो और कॉलम, आप लोग भी जानते हैं, जब दो रो और दो कॉलम रहे, या तीन रो या तीन कॉलम रहे, या चार रो या चार कॉलम रहे, मतलब कि रो और कॉलम जब सेम रहे, तब उसके लिए क्या फॉर्मूला है। जैसे 2 × 2 रो रहे, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5 रहे, तब उसके लिए ट्रिक है, वो नंबरिंग करना है और स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो 1 + कितना हो जाएगा 4, देखिए 5 आ गया आपका। और काउंट करके मैं भी बता दिया था, 1, 2, 3, 4 और एक ये बड़े वाले, टोटल 5। ये कंसेप्ट देख लीजिए और इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। अब यहीं पे इस फिगर में देखिए, इसमें देखिए नंबर ऑफ रो और कॉलम कितना है, 3 का है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 + 4 + 9, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 14 हो जाएगा। कंसेप्ट अगर आप एक एक करके गिनिएगा तो हो सकता है कि कोई फिगर इसमें बीच में छूट जाए, इसीलिए इस कंसेप्ट पे चलिएगा, कभी कोई फिगर दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर कराता हूँ, जहां पे 4 नंबर ऑफ रो और 4 नंबर ऑफ कॉलम हो, तो इसमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करके लिखिएगा तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 13 स्क्वायर, मतलब वर्ग। देखिए अब कहिएगा कि हाँ, अब जब नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम रहता तो ये नियम लगा लेंगे, अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। तो जैसे इस फिगर में देखिए आप, जहां पे नंबर ऑफ कितना है 1, 2, 3, 4, 5 और इधर कितना है 1, 2, 3, 4, लेकिन इसमें सेम नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसको हेडन कर दूं इस वाले सिर्फ कॉलम का, तो देखिए आपको कितना बच रहा है, 4 का बच रहा है, तो 4 तक तो मुझे नियम मालूम है जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो इसको तो पहले काउंट करके लिख लेना है। तो इसका जब हम लोग ऐड करके लिखेंगे 1 + 4 + 9 + 16, तो कितना आता है 13, और ये वाले अब मेरा बच गया। तो इसमें क्या करना है, सिंपली हमको इस वाले में सिंपली क्या करना है, इसको नंबरिंग कर लेना है 1, 2, 3 और 4, जब इसको नंबरिंग करके और ऐड करके लिख देना है, मतलब 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका, मतलब 10 हो जाएगा। तो 13 + 10 कितना हो जाएगा टोटल 14 वर्ग इसमें हो जाएगा। जान जाइए, जब नंबर ऑफ रो और कॉलम रहे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, जितना तक रहे सभी को स्क्वायर करके और ऐड करके लिख दिया जाए। अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम नहीं रहे तो जहां तक 4 का, मान के चलिए इसमें 5 है रो है और 4 कॉलम है, तो 4 तक तो रो और कॉलम के ये नियम से लगा लेंगे और जो बच जाएगा उसको काउंट करके लिख देंगे। अगर मान के चलिए इसके बगल में भी एक और दे दिया जाए, तो एक तो काउंटिंग इसका कर लिए, फिर इसका काउंटिंग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 + 10 कर देंगे तो टोटल 15 हो जाएगा। अब बताइए इसके बाद आपका कोई भी स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें कराता हूँ। इसमें क्या होता है, इस वाले फिगर में आप बताइए कि कितना
मतलब आपका वर्ग बनेगा। तो देखिए इसमें भी वही लगेगा, एक दो तीन चार, बीस, बीच वाले फिगर को अभी आप भूल जाइए, इसमें मान के चलिए कोई नहीं है, तो नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है, तो इसको भी वन का स्क्वायर, टू का, सॉरी वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, तो टोटल आपका कितना था फोर का स्क्वायर करने पे, और सबको ऐड करके लिखिए तो आपका 30 रहता है। और 13 के बाद आप चलिए एक इस वाले फिगर में, इसमें कितना बनता है आपका, आप लोग भी जानते हैं एक स्क्वायर में एक दो तीन चार और एक बड़े वाले, अगर नहीं होता है तो वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर, तो पांच इसमें बन गया, पांच भी इसमें, पांच इसमें और पांच इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20, 13 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका टोटल 50, टोटल 50 आ जाएगा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए, तो मैं और भी स्क्वायर पे और सारे बहुत सारे मतलब फिगर पे काउंटिंग करके वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है, इसमें भी नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है, तो वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, पहले बाहर वाले फिगर भूल जाइए सिर्फ अंदर वाले, तो इसको ऐड करने पे कितना होता है वन प्लस टू प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, यहाँ फोर हो जाएगा, तो टोटल आपका आ जाता है कितना 13। और 13 के बाद आप चलिए बाहर वाले में, बाहर वाले में कितना आता है एक दो एक तीन, इसका काउंट हो चुका है लेकिन जब ये ऐड होगा ये पूरा बार का काउंट नहीं होगा, तो कितना हो जाता है इसमें चार, चार इसमें, चार इसमें भी बनेगा, चार इसमें भी और चार इसमें, मतलब 16 और बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। चलिए तो एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इसमें भी देखिए नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है, पहले बाहर वाला ये फिगर को भूल जाइए, इस वाले इस और चार को जो बाहर दिया हुआ है इसको आप भूल जाइए, तो इसमें क्या नियम लगा देंगे वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर, सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा वन प्लस फोर प्लस नाइन इक्वल टू 14 हो जाएगा। और बाहर वाले में कितना है एक दो तीन और एक चार, तो 14 प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 वर्ग टोटल। देखिए कितना इजी तरह के आपको कंसेप्ट भी बता दिया मैंने यहाँ पे पहले, और उसके बाद सबको शॉर्ट ट्रिक से भी कर दिया, बताइए आप यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर में हो सकता है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंसेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट में आपको मैं रेक्टेंगुलर मतलब आयत काउंटिंग में फिर से आपसे मिलता हूँ, तब तक जय हिंद जय भारत।